दोस्तों, आसमान का रंग हमेशा नीला ही क्यों दिखता है? दुनिया में और भी रंग मौजूद है, लेकिन आसमान हमें हमेशा नीला ही दिखता है और अंतरिक्ष से हमें आसमान काले रंग का दिखता है। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती के चारों तरफ वायुमंडल मौजूद है जिसके अंदर अनेकों पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल गैसेस के हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और धूल के कण हो सकते हैं, और समुद्र से उठा हुआ नमक भी हो सकता है। और जो हमें आसमान का ब्लू कलर दिखता है, वो बेसिकली कोई कलर नहीं है, वो एक ब्लू कलर की लाइट है। सूरज से टोटल 7 रंगों की लाइट निकलती है, जिन्हें आपने इंद्रधनुष में भी देखा होगा। ये कलर होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें हर रंग की लाइट की अपनी तरंगे होती है, और जो ब्लू कलर की तरंगे होती है वो वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स के मुकाबले बहुत छोटी होती है, जिस करके नीली वाली तरंगे पार्टिकल्स से टकराकर पूरे आसमान में बिखर जाती है, जिससे हमें आसमान ब्लू कलर का दिखता है। और बाकी रंग जैसे कि रेड, ऑरेंज, इन सभी की तरंगे पार्टिकल से मुकाबले बहुत बड़ी होती है, जिससे कि इन रंगों को इनको पार्टिकल से टकराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष की, तो दोस्तों अंतरिक्ष में वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिस करके वहाँ पे कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। इसी करके ना वहाँ पे कोई लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है और ना ही वो लाइट बिखरती है, जिस करके हमें अंतरिक्ष से आसमान काले रंग का ही दिखता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ आ गया होगा कि आसमान हमें नीले रंग का क्यों दिखता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।